देखिए हमारे सामने ऐसे हालात हैं जहां पर दिल्ली पुलिस और इस देश की सरकार के पास वो कह रही है कि 40 GB 11 लाख पन्ने सामान है बच्चों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ, दिल्ली दंगों के जांच के मामले। और देश के जो आम नागरिक, जो माइग्रेंट लेबर, जो प्रवासी मजदूर थे, जो दिल्ली से पैदल पैदल जाते हुए जिनकी मौतें हुई गांव जाते हुए, उनके बारे में उनके पास संसद में उन्होंने कहा कि एक पन्ना भी नहीं है, एक जीबी भी नहीं है। इस बात को साधारण लोग समझे जो आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए इन बातों को सुन रहे हैं कि सरकार साजिश में लगी है अपने विरोधियों को चुप करने में, और उसे अपने नागरिकों से, अपने देश के गरीबों से ज़रा भी कोई लगाव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 दिन पहले घोषित किया कि वो एक तरह का एक निजी सेना बना रही, जहां पर वो आम माने उनके गिने चुने लड़कों के पास में वो हथियार देगी और कहेगी कि आपको जिसको चाहे गिरफ्तार करना पड़े, आप बिना वारंट के गिरफ्तार कर लीजिए। मैं पूछना चाहती हूं यहां पर दिल्ली पुलिस से कि देखिए, निजी सेना वो तो खुली बात है कि वो तो योगी जी की निजी सेना होगी, लेकिन अगर, और हमने ये भी देखा है गुजरात में जब अमित शाह होम मिनिस्टर थे और वहां नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात पुलिस का इस्तेमाल कैसे एक निजी सेना के रूप में हुआ, यहां तक कि किसी लड़की का पीछा करने के लिए हुआ, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। क्या दिल्ली पुलिस आज चाहती है, दिल्ली पुलिस में भी हम जानते हैं कि बहुत सारे अच्छे अफसर होंगे, क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उन्हें इसी तरह से एक निजी सेना, एक असंवैधानिक सेना के रूप में याद करें? जूलियो रिबेरो जैसे और पुराने दिल्ली पुलिस के और देश के पुलिस के बड़े आला अधिकारी ये पूछ रहे हैं दिल्ली पुलिस से कि आप कैसा चाहते हैं कि आपको कैसे याद किया जाए। दिल्ली पुलिस ने जवाब में कहा है कि देखिए, हम लोग कोई भेदभाव नहीं कर रहे, और ये लोग हल्ला मचा रहे हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि जिनकी जांच हम कर रहे हैं उनकी सोशल मीडिया में बहुत बड़ी रीच है। ये दिल्ली पुलिस के बयान में कहा गया, मैंने देखा, सोशल मीडिया में रीच है नरेंद्र मोदी के और बीजेपी आईटी सेल से ज्यादा। सोशल मीडिया में किसकी रीच है भाई, किसकी रीच है? ये जिसको आप कह रहे हैं सोशल मीडिया में किसी ने नहीं चलाया, हमारे पास कोई आईटी सेल नहीं है। जो आपने देखा उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद में, तब से आप लगातार जो देख रहे हैं वो देश के आम जनता की आवाज है, वो किसी आईटी सेल की पैदाइश नहीं है। और देश के आम जनता साफ साफ कह रही है कि हम आपके झूठ को पकड़ लिए भाई। आप कह रहे हैं उमर खालिद जो है वो दंगों की बात कर रहे थे, हम देख रहे हैं उनके वीडियोस को कि वो शांति की बात कर रहे हैं, और जो गोली मारने की बातें कर रहे हैं कपिल मिश्रा और तमाम लोग, आज भी गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं ये ट्विटर पे, कह रहे हैं कि फांसी दो, अभी भी भड़का रहे हैं लोगों को कि आप हिंसा करिए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोमल शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई, गुलफिशा के खिलाफ कार्रवाई। तो यहां पर आम जनता के सामने आपकी पोल खुल गई है, खुल रही है, यही आप सोशल मीडिया और असली दुनिया में भी देख रहे हैं, इसको जो है आप नहीं हटा सकते। और मैं बस बहुत मैंने आखिरी बात जो कहना चाहती हूं, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं कि लोगों के हाथ में जो प्लेकार्ड्स हैं और हमने जो मास्क पहन रखे हैं उसे जरा देखिए। दिल्ली वाले इस समय चल रहे इस अभियान में दिल्ली पुलिस द्वारा 23 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, और हम जानते हैं कि वो चाहते हैं अलग अलग से जाकर के लोगों को उठा रहे, दबाव बना रहे हैं कि दूसरे के खिलाफ बोलो और वरना आप पर UAPA लगा देंगे। हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं इस जबरदस्त आंदोलन को जो देश के संविधान को बचा रहा था,
उसे बांटने की कोशिश कर रहे हो, आपसे ना होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं इस बात को कहने के लिए कि हम सब खड़े हैं एक की तरह, एक पर हमला, सब पर हमला। मैंने मास्क जानबूझ करके चुना गुलफिशा फातिमा का, क्योंकि मैं चाहती हूं कि उनके परिवार वाले जाने कि ये लड़की, इतनी यंग लड़की, पढ़ी लिखी, अपने कम्युनिटी, अपने देश की सेवा करना चाहिए, इतने जबरदस्त आंदोलन में, वो तो उसके पास तो किसी नेतागिरी की ट्रेनिंग नहीं है, वो किसी जेएनयू से पढ़ी हुई नहीं, लेकिन वो जो है वहां पर चलाना इतने बड़े आंदोलन को, इसके बारे में सोचना, नेतृत्व करना। ये जो युवा है, ये बच्चे बच्चियां हैं जो देश का फ्यूचर है, युवा है, युवा आवाजें हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार लगता है डरती है उन आवाजों से, उसे बंद करना चाहती है। हम गिरफ्तार हुए हर किसी से कहना चाहते हैं, उनके हर परिवार वाले से कहना चाहते हैं, कल को जो गिरफ्तार होंगे, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट 11 लाख पन्नों में आपने किस किस को गिनाया होगा, हम उन सब से कहना चाहते हैं, हम सब एक हैं। एक को गिरफ्तार कर रहे हो, आओ हम सबको गिरफ्तार कर लो। जिन जिन लोगों ने हाथ में संविधान लेकर के शपथ लिया था उस आंदोलन में, उन सबको आकर के गिरफ्तार कर लो, हम तैयार हैं जाने के लिए। लेकिन हम चुप नहीं होने वाले। उमर खालिद की आवाज आप यहां भी सुने।